सो गाइस कैसे आप लोग। सो गाइस इस वीडियो में मैं अपना खुद का कंसेप्ट लेके आया हूँ। सो गाइस ये वाली फोटो का हम कुछ बनाने वाले हैं ऐसा फोटो। सो गाइस चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते। सो गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसी कुछ फोटो क्लिक करवानी है ऐसी। सो गाइस ऐसी फोटो क्लिक करने के बाद हम जाएंगे पिक्सआर्ट के अंदर। सो गाइस सबसे पहले इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेना आपको। सो गाइस मैं आपको बैकग्राउंड इरेज करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने पहले से बैकग्राउंड इरेज करके रखा है। अभी सबसे पहले हम जाएंगे प्रोफाइल के अंदर। सो गाइस ये मैं प्रोफाइल में जाता हूँ, वहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जो भी हमारी मेगापिक्सल हो आपको मैक्सिमम रखनी है। ये होने के बाद जाएंगे हम सीधा बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। सो गाइस ये रहा हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद ब्लैक आ रहा है वो सब गायब हो जाएगा और जो हमारा ब्राइटनेस है वो आ जाएगा पूरे फेस पे। सो ये देखिए गाइस, तो ये देखिए पूरी स्किन पे हमें चला देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सिंपली चलाते जा रहा हूँ। तो ये देखिए, तो आपको भी सिंपली जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। सो ये देखिए अभी मैं सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा कर देता हूँ। सो ये सेकेंड वाला भी मैं यहाँ पर इसको भी कर देता हूँ, ये देखिए। सो गाइस ये हो गया, अभी हम थोड़ा सा हैंड के यहाँ पर भी कर देता हूँ। सो वैसे हमारा फेस पूरा अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ ये वाले हैंड पे कर देता हूँ। तो ये देखिए, तो इसे आप खुद फर्क देख सकते हो, जितने भी ब्लैकी एरिया था वो यहाँ पे गायब हो गया है, उतना सा ब्राइटनेस और शाइन आ गया हमारी बॉडी में। तो ये देखिए, तो मैं खाली स्किन स्किन पे चलाना है इसको। तो ये देखिए मैं खाली स्किन पे चला रहा हूँ, वैसे ही हो गया। इन्होंने हम इरेज सिलेक्ट करके जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसमें इरेज करता हूँ, उसकी ओपेसिटी हार्डनेस कम कर, जहाँ जहाँ पे हमने चलाया वहाँ पे सिंपली वापस से हमें थोड़ा थोड़ा इरेज कर देना है। तो इससे क्या कि ओवर नहीं लगेगा। तो ये हो गया, अभी मैं डन पे क्लिक कर दूंगा। तो थोड़ा सा मैं कोई यहाँ पे भी चला देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक लग रहा है और जो हमारी टी शर्ट है वो हो गई है। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा चला देता हूँ यहाँ पे, फिर तो सेकंड वाले पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। तो इससे क्या है कि पूरा मैच हो जाएगा गाइस ऐसा। तो वैसे ये हो गया, ये होने के बाद मैं सीधा मैं डन पे क्लिक कर दूंगा और ये होने के बाद डन पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस ये हो गया, अभी हम जाएंगे ऐड फोटो के अंदर। सो गाइस दो PNG की लाइटिंग की PNG है तो उसे हम ऐड करें, तो हमारा आपका लोगो भी तो वो भी ऐड कर सकते हो। गाइस मैं तीनों PNG ऐड कर लिए और लोगो को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सो गाइस ये हो गया, अभी इसे मैं ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्किन कर दूंगा। सो गाइस इसको एकदम अच्छे से आपको सेट करना है क्योंकि यहाँ पे जो रेड लाइट है वहाँ पे। सो गाइस ये PNG लगाने का मतलब क्या होता है बाथरूम में गाइस, तो इससे फोटो में एक अलग लुक आता है फोटो में, आप दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए तो ये देखिए, आप इसको यहाँ पे अच्छे से मैं लंबा करके यहाँ पे सेट कर दूँगा। सो गाइस ये ब्लू वाली जो PNG है, ब्लू लाइट वाली, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, उसी साइज़ कम करके जो यहाँ पे जो ब्लू एरिया है मतलब जो ब्लू लाइट का आ रहा है, तो यहाँ पे इसको मैं एकदम अच्छे से सेट कर दूँगा। सो गाइस एकदम फोटो में अलग लुक आता है। ये देखिए अभी फोकस भी मतलब एकदम अच्छा लुक आ रहा है फोटो में ऐसा, इसलिए मैंने PNG ऐड किया। सो गाइस डन पे क्लिक किया, अभी हम जाएंगे फोटो को सेव कर देंगे। सो गाइस बाकी का काम हम स्नैपशॉट और लाइटरूम में करेंगे। सो गाइस ये डॉट टूल में गया और 3 डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक कर दिया। सो इसको मैं अभी बैक आ जाता हूँ, चलता हूँ सीधा स्नैपशॉट में। वे स्नैपशॉट हमारा ओपन हो चुका है, अभी हम पे इंपोर्ट करेंगे जो हमारी पिक्सआर्ट में एडिट की थी वाली फोटो, तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी हम जाएंगे टूल्स में सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का सैंपल ले लूँगा क्योंकि मैं थोड़ा सा
सो गाइस नोटिफिकेशन थोड़ा सा हम अप्लाई कर देंगे। सो गाइस जियो होने के बाद में ये देखिए पूरी फोटो एकदम अलग हो चुकी है। सो गाइस अभी हम जाएंगे इफेक्ट के अंदर, इफेक्ट में फिर सबसे पहले थोड़ी सी बेस में बढ़ा देता हूँ, फिर हमें जो स्प्लिट टोन है वो अप्लाई करेंगे। सो गाइस स्प्लिट टोन में आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये जो वॉयलेट कलर वहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसकी थोड़ी सी जो बैलेंस वो थोड़ी सी इंक्रीज करके रखनी है। फिर ये देखिए आपकी फोटो देख सकते हो बिफोर और प्लस आफ्टर, आफ्टर मैं करके दिखाता हूँ। सो गाइस आपको पहले मैं पिक्सआर्ट की फोटो आपको ये दिखा दी मैंने, और ये देखिए अभी लाइट रूम में। सो गाइस ये फोटो एकदम गजब की बन चुकी है। सो गाइस इसको अभी सिंपली मैं सेव कर दूंगा। सो गाइस ये देखिए मैं यहाँ पे इसको सेव टू डिवाइस एच क्यू में वीडियो को फोटो को सेव कर देता हूँ। सो गाइस अगर आपको फोटो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस सबसे पहले इसको फोटो में सेव कर लेते हैं। सो गाइस हमारी बहुत टाइम ले रहा है, सो बाय हो जा। सो गाइस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा थोड़ा सा। सो गाइस हमारी फोटो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है, मतलब सेव हो चुकी है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।